अभिषेक सर, मैथमेटिक्स बाय अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12 डिफरेंशिएशन में लॉग वाले टाइप को समझा दिया आप लोगों को, अब मैं लॉग से आगे चलूंगा। और अब जो टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम डालो पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म एक्सरसाइज 5.6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं ये करने के बाद। पैरामेट्रिक फॉर्म, तो 12th क्लास के डिफरेंशिएशन में पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? सबसे पहली बात, इसको पहचानने के लिए अपने दिमाग में दो बातें याद रखना। एक तो हमारा थीटा के फॉर्म में होगा, दूसरा हमारा टी के फॉर्म में होगा। दो दो इक्वेशन दिए होंगे, कितने इक्वेशन गिवन होंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए आपके पास दो इक्वेशन हमेशा गिवन होंगे, दो इक्वेशन गिवन होंगे पैरामेट्रिक के लिए। या तो वो थीटा के टर्म्स में हो सकता है, या तो इन टर्म्स ऑफ थीटा, या तो थीटा के टर्म में होगा, या तो इन टर्म्स ऑफ टी, थीटा या टी के फॉर्म में एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलेगा पैरामेट्रिक इक्वेशन। पहचानने का तरीका, दो दो इक्वेशन गिवन है, या तो थीटा के फॉर्म में या तो टी के फॉर्म में, आपको बोल दिया जाएगा आप डीवाई बाय डीएक्स फाइंड करो। और क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करता हूं, देखो ध्यान से, फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड करना है इफ x दिया हुआ है हमारा sin थीटा एंड y दिया हुआ है हमारा cos थीटा। इस केस में आपको dy by dx फाइंड करना है। आप देख रहे हो दो इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है sin थीटा और दूसरा दिया हुआ है cos थीटा। तो देखिए ध्यान से, इधर बहुत ही आसान है ये। अगर मेरे पास दिया हुआ है x is equal to sin थीटा और दूसरा दिया हुआ है जी y is equal to cos थीटा, तो यहां से dy by dx कैसे फाइंड करते हैं इसको समझना है। सबसे पहली बात, इक्वल टू के साथ आपको देखना है, इक्वल टू के बाद जो कुछ भी है वो आपको ये पता करना है, इक्वल टू के बाद वाला किस फॉर्म में है? ये थीटा के फॉर्म में, क्या भी किस फॉर्म में है? थीटा के फॉर्म में। बातें साफ साफ क्लियर हो गई, आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, मतलब मैं फाइंड करने जा रहा हूं dx अपॉन d थीटा, एंड sin थीटा का डेरिवेटिव पता है आपको क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा। ऐसे मैं यहां फाइंड करूंगा dy अपॉन d थीटा एंड cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा होता है sin थीटा। ये दो इक्वेशन मिल गए, डिफरेंशिएट कर दिया। अगर इक्वल टू में थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, अगर इक्वल टू में t होगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और हम लोगों को फाइंड क्या करना था, तो हम लोगों को फाइंड करना था जी dy upon dx। क्या फाइंड करना है? dy upon dx आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दिया इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड किया, सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से डिवाइड किया, सेकंड के राइट वाले को राइट से करूंगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लेफ्ट वाला पार्ट सेकंड का dy / d थीटा, लेफ्ट वाला पार्ट फर्स्ट का क्या हमारे पास dx / d थीटा, राइट वाला पार्ट सेकंड का क्या हमारे पास sin थीटा, राइट वाला पार्ट फर्स्ट का क्या हमारे पास cos थीटा। मैंने डिवाइड कर दिया और यहां से आप देखो ध्यान से क्या होता है मेरे पास, ये हो गया हमारा d थीटा और d थीटा आपका कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा जी dy / dx sin / cos होता है हमारा tan थीटा, माइनस tan थीटा इज योर फाइनल आंसर, dy / dx माइनस tan थीटा इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, तो क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया जी माइनस टेन थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज माइनस टेन थीटा। एक और क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ये तो थीटा के फॉर्म में था, अब मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं जो कि हमारे पास टी के फॉर्म में हो। सपोज क्वेश्चन हमारा ऐसा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू, इफ क्वेश्चन नंबर टू है हमारा जी, एक्स की वैल्यू दे रखी है साइन ए टी एंड वाई की वैल्यू दे रखी है कॉस बी टी, वाई इज कॉस बी टी, तो फाइंड करना है आपको वापस पहले की तरह dy / dx आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फिर वही वाली बात, मैं देख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 हमारा इस बार थीटा नहीं t के फॉर्म में है, इक्वेशन नंबर 2 हमारा थीटा नहीं ये भी t के फॉर्म में है, इसका मतलब अब जो ये डिफरेंशिएट होगा वो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो ध्यान देना बच्चों, t के रिस्पेक्ट में अब ये डिफरेंशिएट होगा हमारा, तो t के रिस्पेक्ट में कैसे इसको डिफरेंशिएट करूं, ध्यान दो आप,
सबसे पहली बात मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, ये हमारा ऐसा हो जाएगा dx upon dt, ये हो जाएगा जी हमारा ऐसा dx upon dt, dx upon dt क्या हो जाएगा हमारा sin का डेरिवेटिव cos, sin का डेरिवेटिव cos at, at था हमारे पास at, एंड अब आपको करना है at को डिफरेंशिएट। सपोज ax होता, आप a को बाहर निकालते हैं, x को 1 बोलते ना, ऐसे at a को बाहर निकालोगे और t का 1 होगा तो ये आ गया हमारे पास a cos at। सिमिलरली मैं यहां फाइंड कर रहा हूं dy upon dt, मैं यहां फाइंड कर रहा हूं dy upon dt, ध्यान दो cos के, cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा, तो cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस, cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस माइनस sin dt माइनस sin dt, और वापस जब मुझे bt को डिफरेंशिएट करना होगा, वापस जब मुझे bt को डिफरेंशिएट करना होगा तो b बाहर और t का वन दिया गया अपना माइनस b sin dt, दो इक्वेशन मिल गया आपको, dy by dt भी निकाल लिया, dxy dt भी निकाल लिया। अब कुछ नहीं करने जा रहा हूं मैं, अब मैं करने जा रहा हूं कि सेकंड को डिवाइड कर देना है फर्स्ट से पहले की तरह, तो कैसे होगा डिवाइड, तो सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा है dy upon dt, फर्स्ट हमारा क्या है dx upon dt, सेकंड का राइट हैंड साइड क्या है माइनस b sin dt, और फर्स्ट का राइट हैंड साइड a cos at। ध्यान दीजिए आपके पास आंसर आ गया dy upon dx, क्या आंसर आ गया भाई, तो आंसर आ गया हमारे पास dy upon dx is minus b upon a sin dt upon cos at। डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि एंगल हमारा यहां डिफरेंट है, इसलिए आंसर हमारा ये फाइनल रह जाएगा। अब मैं एक एनसीईआरटी, अब मैं आपको एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 5.6, एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन के ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाले टाइप आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर मैं करवाने जा रहा हूं एक्सरसाइज 5.6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, x दिया हुआ है a ब्रैकेट में cos t plus log tan t by 2 log tan t by 2, एंड y दिया हुआ है हमारे पास, एंड y दिया हुआ है हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, y दे रखा है a sin t, क्या दे रखा है y दे रखा है a sin t, तो फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, बिल्कुल सारे क्वेश्चन की तरह आपको dy by dx ही फाइंड करना है, यहां भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम मैं फाइंड करूंगा dx upon dt, मैं dx upon dt फाइंड करूंगा, देखो अब क्या आता है dx upon dt, a as it is cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t log x, चेन रूल पे वापस आ जाओ बच्चों, अगर आपको थोड़ा भी याद है तो मैं इसका बोलता 1 upon tan t by 2, फिर tan को डिफरेंशिएट मैं करता, मैं बोलता sec square t by 2, और वापस अगर मुझे t by 2 को डिफरेंशिएट करना होगा, ये आपको पता है x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 होता है, वैसे t by 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by 2, ये dx upon dt, बिल्कुल चेन रूल अगर आपका क्लियर है तो यहां कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं है क्लियर तो वापस आपको वीडियो जाकर देखना पड़ेगा, मैं देख रहा हूं मेरे पास एक sin t है, बाकी सारे tan और sec में है, तो मैं इसको पलट रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, sec को लिखा 1 upon cos square t by 2, और tan t by 2 नीचे है तो नीचे होता है sin t by 2 upon cos t by 2, तो आप समझ सकते हो cos t by 2 हमारा ऊपर आ जाएगा और sin t by 2 नीचे रहेगा, और पहले से हमारे पास हाफ था, मैंने हाफ को लिखा। आगे मैं चलता हूं, cos और cos हमारा कैंसिल हो गया और बचा क्या हमारे पास, a ब्रैकेट के अंदर माइनस sin t प्लस 1 upon 2 टाइम्स ऑफ sin t by 2 into cos t by 2, यहां हम लोग पहुंच गए, और ये पता है आपको सबसे नीचे वाला किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारा माइनस sin t प्लस, ये अगर फार्मूला आपको नहीं पता यहां आप आंसर नहीं कर पाओगे, ये 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा होता है, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा, थीटा क्या हमारे पास, तो थीटा हमारे पास t by 2 है, sin 2 थीटा, थीटा का मतलब sin 2 t by 2, 2 कैंसिल a as it is, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज्यादा आता है ये, हमारे पास फाइनली क्या रह गया माइनस sin t 1 upon sin t, और वापस आप एलसीएम ले लो
ये हो गया जी हमारा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस वन अपॉन साइन टी, ऐसा हो गया। और वापस मैं चलता हूं आगे, वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा हमारा, वन माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और अपॉन साइन टी। आपने dx अपॉन dt फाइंड कर लिया, dx अपॉन dt आपने फाइंड कर लिया, बिल्कुल सामने है, अच्छे से देखो। अब मैं फाइंड करने जाऊंगा dy अपॉन dt। अब फाइंड करते हैं हम लोग dy अपॉन dt। तो आइए, y क्या था मेरे पास, तो y की वैल्यू थी a sin t, y हमारा a sin t। तो यहां से मैं dy / dt अगर फाइंड करूंगा, a कांस्टेंट बाहर, sin t का डेरिवेटिव cos t, दो इक्वेशन मिल गए। और फाइंड क्या करना था, dy / dx, बिल्कुल पहले की तरह सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड करो, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है हमारा dy / dt, फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड है हमारा ये हमारा dx / dt, फर्स्ट का हमारा लेफ्ट हैंड साइड है dx / dt, डिवाइड किया, सेकंड का राइट हैंड साइड है हमारा, सेकंड का राइट हैंड साइड है a cos t, सेकंड का राइट हैंड साइड है जी a cos t, तो a cos t ऊपर, और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, सॉरी सेकंड का राइट हैंड साइड है हमारा a cos square t upon sin t, तो मैं नीचे लाऊंगा a cos square t upon sin t, तो sin t चला जाएगा हमारा ऊपर, a और a कैंसिल, cos cos कैंसिल, एंड sin t upon cos t हमारे पास बच गया, dt dt कैंसिल, और योर फाइनल आंसर इज, योर फाइनल आंसर इज, बिल्कुल आपके सामने आंसर है। तो आपका आंसर क्या होगा, dy / dx sin t / cos t tan t। तो मैंने लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक और कहने का मतलब NCERT ये वाला जो टॉपिक आपको पढ़ाया आज, ये करने के बाद आप एक्सरसाइज 5.6 आराम से कर पाओगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इनको प्रैक्टिस कीजिए, NCERT कंप्लीट करो, 5.5, 5.6, 5.4 कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या दिया सबको आप कंप्लीट करो। कोई भी डाउट निकलता है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा। थैंक यू, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।